भाइयों और बहनों, बंगाल के विकास के लिए यहां बीजेपी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बीजेपी ही है जो यहां माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। इसलिए यहां हर बूथ पर, कमल छाप पर वोट पड़ना जरूरी है। साथियों, नारी सशक्तिकरण ये बीजेपी की प्राथमिकता है। यहां पश्चिम बंगाल के गांव गांव में लाखों बहनें सहायता समूहों से जुड़ी है। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को, मेरी माताएं बहनें सुनिए, मोदी ने गारंटी दी है 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की मेरी गारंटी है। टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस का इंडी गठबंधन सिर्फ झूठ और अफवाह की राजनीति में ही जुटे हैं। इन्होंने राजवंशी, नामशूद्र और मतुआ साथियों की कभी परवाह नहीं की, लेकिन आज जब बीजेपी सरकार सीएए लेकर आई है तो ये अफवाहें फैला रहे हैं। मां भारती पर आस्था रखने वाले हर परिवार को नागरिकता देना ये मोदी की गारंटी है। मैं पश्चिम बंगाल के हर परिवार से कहूंगा, ये टीएमसी वाले, वामपंथ वाले डराएंगे, अलोकतांत्रिक तरीके अजमाएंगे। भाइयों और बहनों, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति ही झूठ पर, भ्रम फैलाना और अपप्रचार पर टिकी हुई है। इंडी गठबंधन अपने आप में झूठ और भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहां टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस वाले आपस में लड़ाई करते दिखते हैं, लेकिन दिल्ली में सारे एक साथ रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। अब देखिए, ये राशन घोटाले, शिक्षक भर्ती घोटाले में जो लोग जुड़े हैं ना, उनको बचाना चाहते हैं। आपने भी देखा है कि टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकले हैं। ये सब मिलकर इन लोगों को बचाना चाहते हैं जिन्होंने
नौकरी के नाम पर ये मेरे परिवारजनों को धोखा दिया है, वे लोग उनको बचाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, जिन्होंने आपको लूटा है उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं? जिन्होंने आपको लूटा है उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये पैसा आपका है, किसी को लूटने का अधिकार नहीं है। और ये इनको बचाने के लिए ये जांच में रोड़े अटकाते हैं और दिन रात मोदी को गालियां देते हैं। ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, खून खराबे की राजनीति ऐसे ही चलती रहे। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आमी बोली भ्रष्टाचार छोड़ाओ, तारा बोले भ्रष्टाचारी बचाओ। मैं इन भ्रष्टाचारियों को दो टूक कह रहा हूं, आपकी धमकी से कुछ नहीं होगा। ये मोदी है, भ्रष्टाचारियों को सजा दे करके रहेगा। और बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, आने वाले 5 वर्षों में भ्रष्टाचारियों पर और कड़ी कार्रवाई होगी। भाइयों और बहनों, इन चुनावों में टीएमसी को कड़ा संदेश देना बहुत जरूरी है। मैं बंगाल की जनता के लिए जो भी योजनाएं लाता हूं, यहां की सरकार उसे यहां लागू ही नहीं होने देती। टीएमसी ने आयुष्मान भारत योजना को रोका है। अभी आयुष्मान योजना ऐसी है कि मान लीजिए आप किसी कारण से मुंबई गए और वहां बीमार हो गए, अगर आयुष्मान कार्ड होगा ना तो मुंबई में भी आपकी मुफ्त में इलाज होगा। आप चेन्नई गए और कुछ हो गया तो वहां भी आपका इलाज होगा, लेकिन वो काम ये टीएमसी सरकार करने नहीं देती है। यहां अगर ये योजना होती तो दूसरे राज्यों में इलाज के लिए जो मरीज जाते हैं उनको भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता। बीजेपी सरकार की पहचान मेडिकल कॉलेज और एम्स बनाने वाली सरकार की है। हम देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल दे रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार ये भी करने नहीं देती। पूरे देश में गांव की सड़क, नेशनल हाईवे, आधुनिक रेलवे, एयरपोर्ट, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल को रिकॉर्ड पैसा देने के बावजूद टीएमसी सरकार की रोक टोक से प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पाते। 7 दशक तक लोगों ने केंद्र सरकार में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का मॉडल देखा। अब पहली बार देश ने बीते 10 साल में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार का मॉडल देखा है। आज दुनिया कहती है कि मोदी मजबूत नेता है, दुनिया कहती है मोदी
कड़े और बड़े फैसले लेने वाला नेता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूंगा, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मोदी तो भारत की जनता जनार्दन का एक बहुत सामान्य सेवक है। मोदी कड़े और बड़े फैसले लेता है क्योंकि उसे 140 करोड़ भारतीयों के सपने पूरे करने हैं और इसलिए मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। गरीब को उसका हक भी दिया और गरीब के वो लूटने वालों के खिलाफ कड़े और बड़े फैसले भी लिए। कांग्रेस तो दशकों तक देश को गरीबी हटाओ का नारा देती रही। ये बीजेपी सरकार है जिसने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर दिखा दिया है और इसलिए हुआ क्योंकि हमारी नीयत साफ है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, नीयत सही तो नतीजे भी सही। ताई आमी बोली, उद्देश्य छोटी ताले परिणामों छोटी। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। पश्चिम बंगाल के करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है क्योंकि मोदी ने इसकी गारंटी दी थी। यहां बंगाल के करीब 40 लाख गरीबों को पक्का घर मिला है क्योंकि मोदी ने इसकी गारंटी दी थी। पश्चिम बंगाल के करोड़ों परिवारों को पहली बार टॉयलेट मिला, बिजली मिली, गैस मिला, नल से जल कनेक्शन पहुंचा क्योंकि ये मोदी की गारंटी थी। यहां बंगाल के किसानों के खातों में हमने पीएम किसान सम्मान निधि के 8,500 करोड़ रुपए सीधे पहुंच भेजे क्योंकि ये मोदी की गारंटी थी। और साथियों, 10 साल में जो विकास हुआ बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, हिंदुस्तान के हर इलाके में हुआ, हिंदुस्तान के हर परिवार तक पहुंचा, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन आप याद रखिए, ये जो 10 साल में हुआ है ना, 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। 10 बछोरे जा होलो, 10 बछोरे जा होलो, ओटा ट्रेलर छिलो। अभी तो मुझे बहुत करना है, अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है, अभी तो हमें पश्चिम बंगाल को बहुत आगे ले जाना है। मेरे विरोधी कहते हैं
मोदी का कोई परिवार नहीं है। अरे मोदी के लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार है, मेरा भारत मेरा परिवार है। आप मुझे बताइए, आप भी मेरा परिवार है कि नहीं है? आप भी मेरा परिवार है कि नहीं है? आमार भारत आमार परिवार। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत बहनों को मैं ड्रोन दे रहा हूं, उन्हें ड्रोन पायलट बना रहा हूं। ड्रोन से होने वाली खेती में बहनों की बड़ी भूमिका होगी, उनकी आय बढ़ेगी। मेरा प्रयास है कि माताओं बहनों के हमारे समूह आत्मनिर्भर भारत को गति दे। साथियों, कुछ बिहार हो, अलीपुर द्वार हो, ये पूरा क्षेत्र अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है। इसलिए बीजेपी सरकार इस पूरे क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। गर्मी बहुत होगी, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, सूरज निकलते ही तुरंत मतदान के लिए चल पड़े, सुबह सुबह ही मतदान कर दें। और दूसरा, ये टीएमसी के गुंडे आपको वोट देने से रोकते हैं, पूरी हिम्मत के साथ खड़े हो जाइए। इस बार इलेक्शन कमीशन बहुत जागरूक है, आपके एक एक वोट की ताकत वो समझता है, और इसलिए निडर होकर वोट देने के लिए निकलना है।